गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप नंबर टू स्टार्ट किया था और उसके बाद ग्रुप नंबर टू का एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था, दैट वाज साइज, राइट। चलो तो साइज के लिए क्या रेशियो बनेगा? बहुत ही सिंपल रेशियो बनेगा। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे साइज बड़ा होता जाएगा। That's why B will be the smallest in the group. After that, magnesium. After that, calcium. After that, strontium. After that, barium. And सबसे बड़ा होगा रेडियम पूरे ग्रुप। ठीक है? ये सारे अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप नंबर वन से छोटे हैं। यानी कि लिथियम इससे बड़ा होगा, सोडियम इससे बड़ा होगा, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से बड़ा, पोटेशियम होगा। ओके चलो, आफ्टर दैट आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो एंथैल्पीज ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम। उनकी साइज बहुत बड़ी है, दैट्स व्हाई उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहती है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट से सेंटर से दूर रहता है। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रुप वन। ग्रुप वन से ग्रुप टू की एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटी है ग्रुप वन से उनकी, दैट्स व्हाई। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, जैसा मैंने बताया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स से उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस के कंफिग्रेशन में आ जाते हैं, इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाता है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो दो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तब वो नोबल गैस बनता है। दैट्स व्हाई उनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले ग्रुप से छोटी है, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का रूल भी सेम रहेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता जाएगा। चलो, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रूल क्या रहेगा? फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों सेम है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, हमने गलती से ऊपर ग्रेटर देन का साइन कर दिया है, देखो। सो मैं यहाँ पे साइज के जगह उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता देता हूँ, क्योंकि लेस देन होगा ना, सबसे बड़ा तो रेडियम है यहाँ पे। सो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रूल हो गया, सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम की, तो साइज का तो इससे उल्टा हो जाएगा। क्या होगा साइज के लिए? बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रॉन्शियम, उससे बड़ा बेरियम और उससे बड़ा रेडियम। ठीक है? हाइड्रेशन के लिए लिखे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, तो ये सेम ऑर्डर जो है वो हाइड्रेशन में भी फॉलो होगा। ठीक है? यानी कि Be+2 के हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रॉन्शियम। देखो, लाइक अल्कली मेटल आयन द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयोनिक साइज। देखो, दैट्स वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लार्जर देन दोस ऑफ द अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनकी साइज उनसे छोटी है। दस कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोस्ट मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोस ऑफ द अल्कली मेटल। जैसे कि MgCl2 × 8H2O, CaCl2 × 6H2O, जबकि NaCl और KCl तो ये करते ही नहीं है। ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हटा दिया है, तो ये तो पढ़ना नहीं है हमें, एक बार आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है? चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल है आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, पहले ग्रुप से वो कम रिएक्टिव है और उनकी रिएक्टिविटी जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे बढ़ती जाएगी। देखो सबसे पहले एयर और वाटर से उनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, तो उनकी सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, दैट्स व्हाई अंदर का मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है वो सिक्योर हो जाता है, वो आगे वाटर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाते। हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बीईओ एंड बीई थ्री एंड टू। नाइट्राइट भी बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है, कब, जब वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा तब। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड बर्न्स विथ डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO एंड Mg3 एंड टू। सेम होता है मैग्नीशियम, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो उसका जो पाउडर होगा वो भी डेजलिंग ब्रिलियंस यानी कि आंखों को चुभने वाली रोशनी क्रिएट करेगा जब वो बर्न होगा। उसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो तो रेडिली अटैक करते हैं एयर पे और ऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्राइड बना देते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर टू के सारे एलिमेंट नाइट्राइड बनाते हैं जबकि ग्रुप नंबर वन के सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। अगेन दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर विथ इंक्रीजिंग वेगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। वो कंटिन्यूअसली वाटर से रिएक्ट करते रहते हैं और मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, इवन तो आपने कोल्ड वाटर लिया है फिर भी, और वो हमें हाइड्रोक्साइड देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो दैट वाज द प्रॉपर्टी फॉर द रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर। अब हेलोजेंस के साथ, तो MgCl2, MgF2, MgBr2, MgI2, यानी कि दो हेलोजन लगेंगे क्योंकि ये प्लस टू रहता है। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन विथ हेलोजन एट इलेवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करने पे वो हेलोजन से कंबाइन हो जाते हैं। चलो फ्लोराइड जो है वो इस तरीके से नहीं बनाया जाता बिकॉज वो बहुत ही विगोरस रिएक्शन देता है, दैट्स व्हाई थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनिकल बेरिलियम फ्लोरेट इज द बेस्ट रूट फॉर द कंपोजिशन ऑफ BF2। BF2 बनाने का ये बेस्ट रास्ता है, ठीक है। चलो यानी कि बेरिलियम हम इस मेथड से नहीं बनाते, बेरिलियम फ्लोराइड, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, NH4 ट्वाइस BF4, उसको हीट करेंगे तो उसमें से BF2 बन जाएगा और NH4F, NH4F के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। सेम चीज हम करते हैं BCl2 के लिए, अलग रिएक्शन, वो उसके ऑक्साइड से बनाया जाता है। देखो BeO प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ 600 टू 800 केल्विन वो बनाता है BCl2NCO। ऑक्सीजन कार्बन ले लेगा और बेरिलियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके, बेरिलियम अलग बिहेव करता है जैसे लिथियम करता था वैसे ही। उसके अलावा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ वो मिलके हाइड्राइड बनाते हैं। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता हीटिंग होने पे। लेकिन अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो वो हम BCl2 की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके बना सकते हैं। चलो BCl2 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, BCl2 से BH2 हो जाएंगे दो, ठीक है, एक क्लोरीन को लिथियम ले लेगा, तीन क्लोरीन एल्यूमिनियम ले लेगा। ओके, अगेन बेरिलियम अलग हुआ अपने ग्रुप से, ठीक है। चलो उसके अलावा एसिड के साथ वो मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, वो तो कॉमन रिएक्शन है, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन विथ एसिड, ये तो आपको पता ही है रिएक्शन, राइट। अब उसका रिड्यूसिंग नेचर, तो टेबल में देखो वैल्यूज, हम सारी वैल्यूज को स्टडी करेंगे वापस से, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे डिक्रीज होगी, देखो डिक्रीज होती है, सेकंड भी सेम होगा डिक्रीज होगी, देखो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। रेडियम रेडियो एक्टिव है तो उसको तो गिना ही नहीं जाता,
उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी, देखो है कि नहीं, कंटिन्यूअसली। मेटालिक रेडियस जैसे ऊपर से नीचे आओगे बढ़ेगी, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसमें वेरिएशन है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इट्स ग्रुप हाईएस्ट है। देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी बेरिलियम का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी बेरिलियम का। बाकी अगर ग्रुप में देखोगे तो एक एक्सेप्शनल केस कैल्शियम का भी बनता है। चलो इसका ऑर्डर लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। मैग्नीशियम के बाद डायरेक्टली आएगा बेरियम, मैग्नीशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम। चलो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि सॉलिड से लिक्विड के लिए मैग्नीशियम उससे ज्यादा है, बेरियम का उससे ज्यादा है, देखो स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद कैल्शियम और सबसे लास्ट में लिथियम। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उसका। बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम चीज होगी, देखो मैग्नीशियम के बाद स्ट्रॉन्शियम। चलो लिक्विड से सॉलिड के लिए मैग्नीशियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, बाद कैल्शियम, बाद बेरिलियम और लास्ट में रेडियम। ये और रेडियम नहीं, सॉरी लिथियम। ये ऑर्डर आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है, ठीक है? देख लो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी में भी चेंजेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे ज्यादा डेंसिटी है स्ट्रॉन्शियम, सॉरी बेरिलियम, बेरियम की सबसे ज्यादा, उससे कम स्ट्रॉन्शियम, फिर साइड डायरेक्ट लिथियम आ जाएगा। सो डेंसिटी के लिए सबसे कम किसका है देखो, तो सबसे कम है कैल्शियम का डेंसिटी। कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा लिथियम और फिर तो सेम ऑर्डर स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ये डेंसिटी का ऑर्डर है। चलो अब पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है बेरियम का। वहां पे देखो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव बढ़ता जाता है, ठीक है? तो सबसे कम किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो सबसे कम है बेरियम, बेरियम से ज्यादा स्ट्रॉन्शियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम और उससे ज्यादा लिथियम। यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है? वहां पे तो हमने सिर्फ नेगेटिव का बताया था। ओके चलो, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा बेरियम का, सबसे कम बेरिलियम का। लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज इंडिकेटेड बाई लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। हाउएवर, द रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स से उनका रिड्यूसिंग पावर कम है। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। हाउएवर, इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू द लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विथ द स्मॉल साइज ऑफ बी प्लस टू एंड रिलेटिव वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। चलो बेरिलियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। अकेला रिडक्शन पोटेंशियल काम नहीं करता, रिडक्शन पोटेंशियल काम करेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी और उसको सब्लिमाइज करने की प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई बेरिलियम सबसे आगे है। ओके जब उसके बाद जैसे ग्रुप वन के मेटल्स एमोनिया के अंदर डिसॉल्व होते थे, वैसे ही
ग्रुप टू के मेटल्स भी एमोनिया में डिसॉल्व होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया है सब। लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड एमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्मिंग एमोनिएटेड आयंस। सेम चीज होगी लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ले इसमें, देखो क्योंकि ये प्लस टू बना। सो एम एन एच थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन एन एच थ्री वाई, एक ही इलेक्ट्रॉन का माइनस वन तो दो का माइनस टू। फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एमोनिएट एम एन एच थ्री सिक्स प्लस टू कैन बी रिकवर्ड, और यहां से हम ये बना सकते हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके ग्रुप नंबर टू के। उसके बाद उसके यूजेस तो सिलेबस से हटा दिए हैं, तो वो तो हमें पढ़ने नहीं है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी हटा दी है, तो वो भी हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिए है। व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वॉटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये तो निकाल दिया है, जनरल प्रॉपर्टीज ही निकाल दी, तो ये क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है। व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये भी निकाल दिया है, ये दोनों तो करने नहीं है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है मोस्ट आईएमपी अगेन, दैट विल बी द एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे लिथियम अलग होता था, सेम अब बेरिलियम भी अपने ग्रुप से अलग बिहेव करेगा। चलो उसके लिए क्या करना होगा अभी, तो उसके रीजन क्या होंगे? जैसे लिथियम के रीजन थे, सेम रीजन इसके भी होंगे। चलो लिथियम के क्या रीजन थे? सबसे पहले उसका स्मॉल साइज और उसका हाई पोलराइजिंग पावर, यानी कि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ओके चलो, बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप टू शोज एनामोलस बिहेवियर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, फर्दर इट हैज द डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। चलो रीजन नहीं, डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही बताइए। देखो पहली, बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, एनायनिक साइज, एंड दस डज नॉट कंपेयर वेल विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉल साइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स लार्जली कोवेलेंट एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। कितने कितने पॉइंट हुए? सबसे पहला तो वो साइज में छोटा है, फिर उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा मिलेगा चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, दैट्स व्हाई वो लार्जली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और इजीली वो पानी के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से पानी को जोड़ लेता है अपने साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से अपने ग्रुप से ये अलग है। प्लस वो कोई कोऑर्डिनेशन नंबर चार से ज्यादा नहीं बताता, क्योंकि उसके पास सिर्फ चार ही ऑर्बिट है बॉन्ड बनाने के, डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब बेरिलियम के अंदर तो डी ऑर्बिटल होती ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ दो ही पीरियड है, 1s2 n2 2s2, कंप्लीट। पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगी, सो 2s और 2p की 3, टोटल चार ही अवेलेबल है। दैट्स व्हाई वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल ही नहीं है। Other members can do it because they have d orbital. Tisra point. Oxides and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxide of other element group, are amphoteric in nature. Beryllium ke oxide and hydroxide amphoteric hai. Acidic bhi hai, basic bhi. Jabke baki ke sare to basic hai. Baki group ke sare oxide and hydroxide basic hai by nature. जबकि बेरिलियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और बेरिलियम के बीच में क्या रिलेशन, क्यों सिमिलर? तो वो जैसे लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर थे, वैसे ही ये भी है। देखो the ionic radius of B plus 2 is estimated to be 31 pm. Also, the charge and radius ratio is nearly same for the Al plus 3. Hence, beryllium resemble aluminium in many ways and some of them are given below.
चलो तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि एल्यूमिनियम से वो कैसे मिलता है। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडली अटैक बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस। एल्यूमिनियम भी यही करता है, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सरफेस पे ऑक्साइड का एक लेयर बन चुका होता है। सेम चीज बेरिलियम में भी होती है। दूसरी बात, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली, बेस के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है और बेरिलेट आयन देता है, और ये सेम चीज एल्यूमिनियम भी करता है, एल्यूमिनेट आयन देता है। फिर क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव सी सी ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दे आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, और उनको यूज किया जाता है फ्यूरलक्राफ्ट कैटलिस्ट। HCl3 आपने यूज किया था ना ऑर्गेनिक में, याद करो फ्यूरलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स बनाने के। देखो Be F4-2, यहाँ पे BOH4-2 बनाया था, सेम एल्यूमिनियम भी करता है, Al F6-3 बनता है। तो ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टी है जहां पे बेरिलियम एल्यूमिनियम से रिसेम्बल होता है, एक जैसे हैं दोनों। उसके बाद सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, ये टॉपिक भी सिलेबस से निकाल दिया है तो ये हम पढ़ने नहीं वाले हैं, यानी कि ये सारे कंपाउंड हमें नहीं पढ़ने हैं। जो जरूरी चीजें थी इस चैप्टर से उन्हीं को निकाल दिया, प्लस उन्होंने बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी निकाल दिया है इनका, तो वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। और आपका ये चैप्टर नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट हो गया 3 लेक्चर में, क्योंकि बाकी का सिलेबस तो हटा दिया है, निकाल दिया है। ओके चल, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा ये एक्सरसाइज जो आपको दिया है ये सॉल्व करेंगे, एक लेक्चर जितना 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी पूरी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद पी ब्लॉक इलेमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।